हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा बजट की कटौती कर दी गई है, यह जानकारी हिमालयन वॉच संस्था के चेयरमैन मोहिंदर शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी में कटौती यहाँ के वासियों का सीधा शोषण है, क्योंकि 60% आबादी का पालन पोषण कृषि और बागवानी पर आधारित है। हिमालयन वॉच संस्था के चेयरमैन मोहिंदर शर्मा ने कहा कि एक तरफ तो भारतीय संविधान में हिमालयन प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है और संविधान में विशेष बजट का प्रावधान भी किया जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि यह सेवाएं जम्मू कश्मीर को ही केंद्र सरकार दे रहा है, बाकी के हिमालयन प्रदेश अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि इन प्रदेशों में अपने इतने संसाधन नहीं हैं कि अपने कर्मचारियों को वेतन तक दे सकें। संस्था के चेयरमैन ने कहा कि अगर केंद्र सरकार का यही रवैया रहता है तो इन प्रदेशों का विकास रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमालयन वॉच संस्था बजट में कटौती की कड़े शब्दों में निंदा करती है और विशेष रूप से संविधान में जो भी मौलिक अधिकार हिमालयन वासियों को दिए गए हैं उन्हें लागू करने की मांग करती है। उन्होंने सभी हिमालयन प्रदेशों के लोकसभा सांसदों से अपील की है कि वे करोड़ों हिमालयन वासियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु हिमालयन वासियों के संविधान में प्राप्त प्रावधानों को लागू करवाने के लिए संसद में आवाज बुलंद करें। सरकार द्वारा जो हिमालय के प्रदेशों के अंदर बजट में कटौती की गई है तो उससे जो है इन प्रदेशों का जो विकास है वो रुकने की संभावना है और विकास रुक रहा है, तो हिमालय वॉच द्वारा इस बात की हिमालय वॉच द्वारा कड़े शब्दों में निंदा की जाती है, तथा जो भारत के संविधान के अंदर जो हिमालय प्रदेशों को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, बजट में विशेष प्रावधान किया गया है, उसके मुताबिक जो है वो बजट दिया जाए, नहीं तो हिमालय वॉच हिमालय प्रदेशों के अंदर लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगी और एक आंदोलन का रूप खड़ा करेगी। के जाने के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट।